बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड फूड। दोस्तों आज हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी में। ये फिशरी के बाद बहुत बड़ी मार्केट है इब्राहिम हैदरी की। यहाँ पे ताज़ा मछलियाँ, प्रॉन्स, क्रैब वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे बहुत मुनासिब रेट पे मिलती हैं। इससे पहले हमने मूसा कॉलोनी औरंगी टाउन 12 नंबर 15 नंबर की वीडियो बनाई है, आप दोस्तों की तरफ अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो हमने सोचा इस पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करें। तो चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या नाम है भाई आपका? भाई कलीम नाम है मेरा। कलीम भाई मछली कौन कौन सी दिखाएं आप? ये भाई सारा में, ये देखो आप उड़ा के दिखाओ। ये भाई सारा में, ये सारा में भाई घुमाओ, लंबा कर दो। ये देखो भाई यू करो, हाँ यू करो। ये देखो भाई ताज़ा मछली, बिल्कुल ताज़ा मछली होती है हमारे पास। ये देखो भाई कली चेक करो, बिल्कुल फ्रेश मछली होती है। सही है। ये 600 रुपये 1 kg, 600 रुपये किलो। जी 600 रुपये। ओ कौन सी मछली भाई? ये मुश्का है भाई, ये देखो ये मुश्का है मेरे भाई, 1000 रुपये किलो है, बिल्कुल जिंदा मुश्का है। तो यहाँ पे तो सस्ती होनी चाहिए यार कलीम भाई, यहाँ पे चीज अच्छी तो वही ना। फिशरी वाला रेट दे दो, फिशरी वाला वो फिशरी में असल में वहाँ पे बर्फ का माल होता है, हमारे पास फ्रेश माल फ्रेश होता है। जी चले आगे, चले आगे आप। ये पल्ला है भाई, ये पल्ला है भाई, पल्ला मल्ला पल्ला। ये क्या हिसाब दे रहे हो? ये 2000 रुपये किलो है भाई। नहीं करो यार। जी भाई ये बहुत महंगी है यार, 2000 रुपये दे रहे हो। ये बाहर क्या हिसाब है? ये बाहर है तकरीबन, ये उधर 2500 रुपये किलो बेचते हैं दुकान वाले। अच्छा शहर में। जी और देखो बेटा, और ये झींगा है, झींगा आप देख सकते हो भाई माशाल्लाह। ये कैसा दे रहे हो? ये जेरा है, ये 1500 रुपये किलो है। 1500 रुपये किलो? जी जी उठा के दिखाओ भाई, झींगा दिखाओ अपना। हाँ दिखाओ, हाँ कोई भी बता दे। इसके अंदर जो है ना बड़ी ग्रेडिंग होती है, इसमें 10-20 का अलग रेट होता है, 20-30 का अलग होता है, 30-40 का अलग होता है। अच्छा ये सारा मिक्स में इसकी चाटी होगी, ग्रेडिंग होगी, फिर ये सब जो 1000 से लेके 2200 रुपये किलो तक इसके साइज के ऊपर बनते हैं। ये 2200 रुपये किलो बेचेंगे भैया? जी ठीक है, ये ठीक है, शुक्रिया। करीम और क्या है आपके पास? और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस आपकी दुआ है वो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? कौन सी मछली है ये? सोल है, सोल। सोल क्या हिसाब दे रहे हैं? ये 150, 200, 150। अच्छा अच्छा, वो कौन सी मछली है ये पड़ी है सामने? ये चिंद। ये क्या हिसाब है? पकड़े दिखाओ, एक उठाओ मछली को, उठाओ एक मछली। कौन सी है? अच्छा 6 महीना बेच जाएगा। अच्छा हाँ, कौन सी मछली है? सिंगारा। क्या हिसाब है? 300 रुपये किलो। 300 रुपये? जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन सी मछली है? सारा। क्या हिसाब दे रहे हैं? ये 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। और दूसरी मार्केट में क्या हिसाब है ये? बाहर मार्केट में क्या हिसाब है? बाहर मार्केट में ये 600 रुपये किलो। अच्छा ये सारे सारा में? जी। इन मछली के बारे में बताइए, कौन कौन सी मछली है इनके बारे में? क्या हिसाब है? क्या हिसाब है इसके? ये भी 400 रुपये किलो। और ये वाली सिल्वर? सब सिल्वर है। क्या क्या हिसाब है? 400 रुपये सब। और झींगे क्या हिसाब है? ये झींगा 600 रुपये किलो। और ये? ये भी दोनों 600। शुक्रिया। बलोची में सारम, उर्दू में आला। ताज़ा मछली है यार। अरे वो टाइम सब कुछ है।
अब ये किसका कैसे इस्तेमाल होगी? अब ये सुखाने के लिए ले जा रहे हैं, सुखा के फिर कहीं भेजेंगे। अच्छा, तो कहाँ जाएंगे फिर? ये जाएगा सऊदीया। सऊदी अरेबिया। अच्छा, तो कैसे सूखेगी ये? धूप पे रख के या किसी और खास चीज़ से? धूप पे। अच्छा, इसके अलावा कहाँ जाती हैं? पंजाब चलेगी। पाकिस्तान से बाहर सऊदी के अलावा कहाँ कहाँ जाता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। भाई क्या हिसाब दिए? ये 800 रुपये किलो भाई। नहीं यार, महंगे नहीं है 800 रुपये किलो? नहीं ना, सही है, जा ही देखो। सही है। क्या हिसाब बाहर मार्केट में क्या हिसाब है? मार्केट में 900 सौ रुपये डिस्काउंट दे रहे बस खाली। हाँ, शुक्रिया। जरा सी देखो, कौन कौन से खाने हैं भाई तुम्हारे पास? हमारे पास बहुत से खाने हैं। कौन कौन से? अभी चिकन है, कलेजी है, दाल माश है, दाल चना है, सब्जी है, हलीम है, दही पेड़ा है, चपाती है, नान है। अच्छा, दिखाएं खाने कौन कौन से दिखाए। दिखाओ भाई, ढक्कन हटाओ। हाँ बताओ कौन कौन से खाने ये? जी भाई, खाने कौन कौन से दिखाओ खाने? हाँ ये बताओ। चने की दाल है, ठीक है, कलेजी है, सही, और मुर्गी और मिक्स सब्जी है। अच्छा, ना चिकन ना चाहिए, मुर्गी ना चाहिए। हलीम दिखाओ। आखिरी टाइम है। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? क्या भाई दिखाएं भाई। आखिरी टाइम यहाँ सुबह सुबह काम होता है, ये आखिरी टाइम का, तो खाने का भी टाइम हो रहा है शुरू। ठीक है, मेहरबानी जी। भाई कौन कौन से खाने भाई? क्या क्या है दिखाओ, दिखाइए भाई, खोल के दिखाएं कौन कौन से। ये मछली है, ठीक है, सही है, ये चावल है, ठीक है, सही है, ये सालन है, जीरा और लौकी का शोरबा। अच्छा, ये गोश्त है, सही है, ये मुर्गी का हिंदू में बंगाली डिश है। अच्छा अच्छा, और ये दाल है, ये आलू का भुर्ता है। अच्छा, क्या हिसाब दे रहे हैं? खाना एक बंदे का 150। 150 में बंदा? अच्छा, इसमें क्या कह देंगे? 150 में आपके पास क्या क्या है? 150 में आलू का भुर्ता मिलेगा, दाल मिलेगा उसी के साथ साथ, साथ साथ ये सब 150 के अंदर ही, साथ साथ सारा सब कुछ 150 के अंदर ही। ये दाल है पानी वाला, इसको लोग डीजल भी कहते हैं। सही, डीजल के नाम से। वेरी गुड, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। क्या हिसाब है, कौन सी मछली है सर? ये दंडिया है। क्या हिसाब है? ये 500 रुपये किलो है। नहीं करो यार इतने हो सर, अभी क्या करें, रेट महंगा है अभी। दंडिया ऐसे कांटे कितना है? सर एक बीच का कंघी है, एक ही कंघी है सर। फाइनल कितना हो जाएंगे सर? ऑनलाइन अगर बोलोगे तो किलो पे बोलोगे तो आपको 450 रुपये। और पूरा कितने का दे रहा हूँ? पूरे का सर 8000। 8000 रुपये? नहीं यार, दंडिया सर इसका रेट बहुत है। अच्छा, मेहरबानी जी। भाई झींगा है आपके पास, क्या हिसाब दे रहे हो? सर ये 1200 रुपये किलो है। 1200 रुपये किलो? जी सर। ये 1200 बाहर भी यही रेट है? बाहर तो ऊपर ही जाता है। नहीं नहीं, यही रेट है, 1200 रुपये किलो। मुसर पे गए वहाँ भी 1200 रुपये। सही लगाओ ना, ताकि लोग आपसे आके लें। सर महंगा ये ना, डीजल महंगा है, 250 रुपये लीटर है। सर डीजल तो बहुत ही महंगा, खैर वो कश्तियों का खर्चा ही नहीं निकलता है। ठीक है, कितना होगा फाइनल पर एक किलो के हिसाब से? फाइनल 1000 लगा देंगे। 1000, ठीक है। आपके पास डेली यहीं पे से मिलता है? जी सर। नाम मोबाइल नंबर बताओ अपना। मोबाइल नंबर तो 0324205790। क्या नाम है? एमन सिंह। सर किसिंग भी अम्मा। भाई मछली के रेट बताओ, कौन कौन सी मछली है भाई? हीरा है, डॉटर है। हाँ तो आगे बताओ कौन कौन सी। ये कौन सी है? ये रोहू है। क्या हिसाब है? ये 300 रुपये किलो है। अच्छा, ये डॉटर है। क्या हिसाब है? 350। ये दंडिया है। क्या हिसाब है? 200। ये सुरमाई है। 400। 400। ये तो रोहू आपको बोला था, बता दिया। अच्छा, ये भी तो बोला था, ये बता दिया। अच्छा, ये भी बता दिया। ठीक है जी,
ये बताएं। सारा में 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो वो आगे वाली सारी मछली वो आगे आ जाए। ये खाली है। अच्छा जी, ये कुन क्या हिसाब है भाई? ये 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो। अच्छा, और ये कौन सी मछली है? हीरा है। हीरा क्या हिसाब है? ये 800 रुपये किलो। 800 रुपये। और ये 120 है। ये क्या हिसाब है? 300 रुपये किलो। 300। ये हो गए सब? हाँ ये हो गए। अच्छा जी, और ये केकड़े क्या हिसाब है? केकड़ा ये 800 रुपये दर्जन है। दर्जन 800 के दर्जन। अच्छा, और ये प्रॉन्स वगैरह, ये झींगा? ये झींगा भाई का है, सतार भाई का है। सतार भाई क्या हिसाब है झींगा बताइए? ये कौन सी मछली है? सुरमई। क्या हिसाब है? 300 रुपये किलो। और ये क्या हिसाब है, कौन सी है? अच्छा, क्या हिसाब है? ये आपको 450 रुपये किलो है। 400 रुपये। और ये रोहू है। क्या हिसाब है? ये 350 रुपये किलो है। 350। झींगा बताएं? टाइगर है। टाइगर है झींगा का। क्या हिसाब है? ये आधा 1000 रुपये बन गया। 1000 रुपये। ये बाकी ये झींगे कितने के देंगे? इसका मुतलिक रेट है। बता दें, ऐसे बता दें बस। ये 1000 रुपये बन गया। अच्छा जी, एक ही ठीक है। और ये इनके झींगे, इनके बारे में बताएं? ये कौन कौन से, क्या हिसाब है? ये आपको पड़ेगा 1500 रुपये। और ये एक ही सेम तीनों। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या हिसाब है भाई? भाई 550 रुपये किलो जाता है भाई। किलो 550। 550 ये खास के लिए काम आता है भाई। अच्छा जी, सब ताज़ा है? जी ताज़ा, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा दाना है, बिल्कुल जिंदा दाना है सर। कितना फाइनल हो जाएंगे इसके? 600 रुपये फाइनल होगा किलो। ठीक है, मेहरबानी। ये कौन सी मछली है भाई? धोतर। क्या हिसाब है? 500। सस्ती वाली कौन सी दिखाओ? हाँ हाँ दिखाओ। कौन सी मछली है ये? डंडिया है। 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। अच्छा, ये बड़ा डंडिया है, 150 रुपये किलो। अरे वाह, तो उसमें कांटा? कांटा एक कंगी। एक कंगी 150 रुपये किलो। ये बड़ा 150। ये बड़ा 150। ये 100। ये 100 रुपये। बहुत शुक्रिया। ये है रोहू। ठीक है साहब, है ये आपको पड़ेगा 400 रुपये के पूरे पूरा टोकरा। ये 6 किलो माल है। 6 किलो माल है। कितने का अभी दे रहे हैं? 400 रुपये का पूरा टोकरा। 400 पूरा है। और कौन सा टोकरा अभी दिखा रहे हो भाई? सस्ता टुकड़ा। ये 150 रुपये का पूरा टोकरा। अच्छा, और बताओ। और ये हीरा है। अच्छा, ये 200 रुपये का पूरा टोकरा। पूरा टोकरा, वेरी गुड। 120 रुपये किलो है। सही। और ये भी हीरा है। ये क्या हिसाब दे रहे हैं टोकरा? ये 200 रुपये का टोकरा है, 120 रुपये किलो है। 200 का टोकरा दे रहे हैं। वो बताओ, और कौन सा सस्ता वाला बताओ? वाला देखो, भरा हुआ टोकरा है। सही है। कम से कम 20 किलो है। अच्छा, ये पूरे का 500। अरे नहीं करो यार, पूरे टोकरे जबरदस्त। अच्छा जी, अच्छा ये 150 रुपये किलो है, पूरे का 300 का पूरा टोकरा है। ये पूरा 300। अच्छा, ये बताएं? ये 250 रुपये का पूरा टोकरा है। 250 का पूरा हो गया। सही है। ये डंडिया है। अच्छा, ये 200 का पूरा टोकरा है, किलो 120 रुपये। अच्छा जी, ये है धोतर। सही है। ये 1500 रुपये का। ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, सस्ता नहीं लो, सब्र करो। मैंने बोला 500 का दे रहा हूँ। नहीं, हाँ मुझे पता है। अच्छा 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 जी, ये वाला सही है, धोतर है। ये 120 रुपये किलो है, पूरा टोकरा 300 का है। जबरदस्त यार। ये गिस्सर है। सही है, बहुत मुनासिब दे रहे हैं यार। दो टोकरे नहीं, 400 रुपये के। दोनों 400 रुपये के। 400 रुपये। ठीक है जी, 210 रुपये। सही है। ये क्या हिसाब बता रहे हैं? 500 रुपये मेरा भाई। एक दाना 500 रुपये का? दो दाने 500 का नहीं है? दो दाने 500 के नहीं है? दो नहीं, एक 500 का। एक 500 का। चार किलो 3.5 दी रुपए थे। अच्छा जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, क्या हाल है? खैर है भाई। कौन सी मछली है ये? क्या हिसाब दे रहे हो? ये भाई किलो पे लोगे तो 450 रुपये किलो है दाना। ये 3500 का है, ये 2500 का। ये बड़ा 3500 का है, छोटा 2500 का जी। और ये टोकरी हिसाब क्या है? टोकरी पूरे हिसाब है ना? टोकरी ये 1200 की टोकरी है,
पापलेट 1200 की, अच्छा ये 600 की टोकरियाँ हैं, ये 600 की हो गई, ये पापलेट, ये पापलेट 1000 की टोकरी है, अच्छा जी 1000 की टोकरी, ये हीरा गुलाम ये 1000 रुपये की टोकरी है, अच्छा जी दलिया के दोनों के 1000 रुपये हैं, सही है जी 2000, ठीक है ये कौन दोनों के 1000 रुपये हैं, कौन है 1000 दोनों के, ठीक है जी, और कमांडो, कमांडो पापलेट सबके 800 रुपये ये पूरी टोकरी का जी, ज़बरदस्त फाइनल क्या हो जाएंगे टोकरी के, इस टोकरी का फाइनल आप 600 रुपये दे देना, ज़बरदस्त आगे चलें इसके बारे में, ये हीरा है क्या हिसाब है, इसके भी 800 रुपये दे देना, अच्छा टोकरी के सही है जी, अच्छा जी हमें और क्या बताएं आगे क्या दो दिनों की है, ये बताएं जी इस जाना बोलो इसे क्या बताऊँ, ये टोकरी 1500 रुपये टोकरी 1500, ठीक है जी, अच्छा इसका क्या, इसके 2000 बनते हैं, इसके भी 1800 टोकरी, ठीक है, और ये कौन सी है, ये थैली डांटी, इसके भी 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये के ये पैक पूरा मतलब जी 1000 का, ठीक है जी बहुत शुक्रिया, बल्कि अपने नाम और नंबर बता दें, नाम मोहम्मद नसीर, नंबर 03265966245, ठीक है जी बहुत शुक्रिया, क्या हिसाब दे रहे हो टोकरी, ये टोकरा है 1200 का, अच्छा ये टोकरे का बताओ क्या है, ये टोकरे का 1200 रुपये, 1000 लगाएगा, 1000 का डिस्काउंट तो करो ना, लोग आएंगे, चलो 800 रुपये लगाएंगे भाई, अच्छा जी अच्छा और बताओ भाई, ये कौन सी है, ये बताओ टीवी में, ये जो बड़ी ये कौन सी, सुरमई लाल गोश वाला है, क्या हिसाब है, ये 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, हाँ क्या हिसाब दे रहे हो, सारा हिसाब सबका कितने का, सबका 20000 है, 20000, अबे 20000 की तो तुम्हारी लांच नहीं है, लाज के साथ नहीं बता रहे 20000 रुपये, 200 रुपया इसका 150 रुपया, अच्छा हाँ ठीक है जी बहुत शुक्रिया, फूड वाले यूट्यूबर हैं, हाँ भाई क्या हिसाब लिया है, कितने का, ये वाला लिया, सही बताना, ये 300 का लिया भाई, ये 1200 का लिए, इसमें दो लिए हम लोग, क्या दो लिए, 300 का उधर का लिए, अलग अलग थैली बताओ, अलग अलग थैली बताओ, कितने कितने का लिए, जबरदस्त यार, कितने का लिए, 300 का लिए, पूरी थैली 300 रुपए का, यार तुमने तो उसको लूट लिया, अच्छा और दिखाओ, अच्छा जबरदस्त 1200 का, कितने कितने किलो का है, तीनों 1200 के, अरे वाह यार तुमने लूट लिया भाई, लूट लिया, हाँ वो उससे ज्यादा ले रहे होंगे ना, ज्यादा 500, अच्छा भाई ये ज्यादा ही कर रहे हैं, ज्यादा ही कर रहे हैं,